बहुत ही प्रफुल्लित एंड शिवमय इन्वायरमेंट एंड साथ में ये पास में समुद्र का नज़ारा, बीच का एंजॉय, बड़ौदा से सिर्फ 60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए प्रभु। तो आ जाइए जल्दी से स्तंभेश्वर महादेव बड़ौदा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुजरात की एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे समुद्र खुद आके शिव जी का जलाभिषेक करता है। दो जगह ऐसी गुजरात में आई है, एक दीव में आया हुआ गंगेश्वर महादेव, इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं जो बड़ौदा एंड भरूच के पास आया हुआ स्तंभेश्वर महादेव। बहुत ही खूबसूरत एंड बेहतरीन जगह है, पास में समुद्र है एंड अगर आप वीकेंड मनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जरूर से आना चाहिए अगर आप बड़ौदा या भरूच रहते हो तो। ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने खुद आके यहाँ पे शिव जी की स्थापना की थी। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, जस्ट बड़ौदा से पादरा क्रॉस किया है, बड़ौदा से वो 65 किलोमीटर की दूरी पे आया है। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो, कौन कौन सी दिक्कत आपको वहाँ पे जाने में फेस करनी पड़ती है एंड समुद्र खुद आके दिन में दो बार पूरे शिव जी का जलाभिषेक करते थे और जब समुद्र शिव जी का जलाभिषेक करता है तब हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही हाई रहता है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो कौन से टाइम पे वो लेवल हाई रहता है, कौन से टाइम पे हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्तंभेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं, पूछे पूरा अच्छे से मंदिर एंड यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है, कई सारी कार, आज संडे है तो कई सारे शिव भक्त यहाँ पे आ चुके हैं एंड आप पीछे पूरा समुद्र इलाका देखते हो, जब बाढ़ आती है तब यहाँ तक पानी आ जाता है और पूरा मंदिर अंदर डूब जाता है। फोटोग्राफी का भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। बड़ौदा से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2.5 घंटे जितना लग गया क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब एंड वन लाइन रास्ता है, छोटा रास्ता है, सामने से भी गाड़ी आती रहती है तो आपकी गाड़ी 40-50 उतनी चलेगी, इससे ज़्यादा चलेगी नहीं, तो टाइम तो लगने वाला है। डिस्टेंस कम है बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप बड़ौदा से आ रहे हो तो 2 घंटे मान के ही चलिए। चलिए अब अंदर जाता हूँ, पूरा मंदिर आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, यहाँ का समुद्र का लुफ्त भी आपको दिखाता हूँ एंड सब चीज़ें एंजॉय करवाता हूँ एंड फाइनली आपको मंदिर की हिस्ट्री वो सब भी इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भरूच से 80 किलोमीटर एंड बड़ौदा से 65 किलोमीटर की दूरी पे आया है। स्तंभेश्वर महादेव की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सतयुग में तारकासुर नामक एक राक्षस था जो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उन्होंने महादेव की आराधना करके महादेव को प्रसन्न कर लिया एंड वरदान मांगा कि मुझे इस दुनिया में कोई भी ना मार सके। महादेव ने बोला, ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता तुझे, बट वरदान दे रहा हूँ कि मेरे बेटे के अलावा तुझे कोई नहीं मार सकता। बाद में तारकासुर ने सभी लोक में हाहाकार मचा दिया, हंगामा मचा दिया, सभी को वो परेशान करने लगा। इसके बाद तारकासुर का वध करने के लिए शिव जी ने कार्तिकेय को जन्म दिया एंड बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। बट तारकासुर था तो महादेव का भक्त, तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगा कि ये मेरे पिताजी के भक्त को मैंने मार दिया। बाद में पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने यहाँ पे आके शिव जी की स्थापना की एंड पूजा की। किशन महाराज, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि अगर कोई शिव भक्त यहाँ पे आ रहा है तो कौन से टाइम पे, अगर देखो अभी मैं देख रहा हूँ तो पानी पूरा भर रहा है तो अभी मैं दर्शन नहीं कर सकता हूँ, पूजा भी नहीं चढ़ा सकता हूँ, तो कौन कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा मंदिर के लिए? समुद्र जो है तिथि प्रमाण से ही चलता है, आज है पूनम, पूनम में आपका 4 बजे का टाइम है, 4 बजे से 5 बजे के अंदर पानी भर जाता है, फिर आपको लगभग रात को 8 बजे खाली होगा, 8 बजे खाली होगा, 8 बजे के बाद यहाँ सफाई होगी, मंदिर सफाई होगा, मंदिर सफाई होने के बाद दर्शन चालू हो जाएगा, तो रात को सुबह 3 बजे फिर पानी आ जाएगा, 3 बजे आएगा तो सुबह कल सुबह आपको 9 बजे खाली हो जाएगा एकम को। मंदिर में जब 9 बजे खाली हो जाएगा तो फिर यहाँ सफाई की कार्यक्रम चलेगा,
सफाई हो जाएगा। सफाई के होने के बाद सब तीर्थयात्री लोग यहाँ आके फिर भगवान का दर्शन करेंगे। शाम को 5 बजे फिर पानी चालू हो जाएगा। इसी मतलब आप 9 बजे से 5 बजे तक कभी भी आ सकते हो? आ सकते हो। हर साल हर प्रत्येक महीने में अमावस को बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी मेला। शिव भक्त लोग यहाँ आके भगवान का दर्शन करते हैं, समुद्र स्नान करते हैं, और ऊपर आश्रम भी है, गौशाला है, वहाँ भोजन प्रसाद मिलता है। तो यहाँ 365 दिन भंडारा चलता है। क्या बात है। ये मंदिर आध्यात्मिक रीजन से तो जुड़ा ही हुआ है, इसके अलावा इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है। यहाँ पे समुद्र में आता हुआ ज्वार भाटा यानी कि टाइड इन टाइड आउट जो आता है उसकी वजह से पानी की सतह पूरी ऊपर आ जाती है एंड पानी आगे चला आता है। इसकी वजह से मंदिर पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। मेनली जब अमावस्या की रात होती है पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा अप आ जाता है, उस दिन पूरा मंदिर पानी के अंदर डूब जाता है। तो यह बात भी आपके मन में रहनी चाहिए क्योंकि श्रद्धा जितनी अच्छी है अंधश्रद्धा उतनी ही बुरी है। तो ये स्तंभेश्वर महादेव कावी कंपोई शहर के पास आए, छोटा सा गांव है कावी कंपोई, एंड यहाँ का हलवा बहुत ही फेमस है। एंड अगर आप मंदिर पे आओगे तो कई सारी ये हलवे की शॉप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे दोस्त है जो अभी यहाँ पे हलवा बेच रहे हैं। आपका नाम क्या है? शैलेश। शैलेश भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगी ये हलवे के बारे में, कौन कौन सा हलवा किस किस टाइप का रहता है, फेमस क्यों है यहाँ का, वो सब। ये दूध और चीनी का हलवा बनता है, ये 1 मिनट तक खराब भी नहीं होता, ये एकदम सादा आता है, एक ड्राई फ्रूट आता है, एक ग्रीन पिस्ता आता है, ये भी एक ही। और ये आइस हलवा है, थोड़ी चिक्की आती है अजमेर की। ये कैसे बनाते हो? ये मुंबई का भी फेमस है ना, मुंबई फेमस है। और ये सब आपका लोकल? ये इधर का फेमस है। क्या बात है। ये कैसे बनाते हो? ये दूध और चीनी से बनता है, दूध और चीनी और कुछ नहीं आता। दूध और चीनी। अच्छा, और प्राइस बता दोगे सबकी? अच्छे से। ये 100 रुपये का 150 ग्राम आता है। हाँ। ये 90 का 150 ग्राम आता है। ये 80 का 150 ग्राम आता है। 80, 90, 100। ये 100 रुपये। ये 60 का 150 ग्राम आता है। ये 70 रुपये का 150 ग्राम। 70 रुपये का 150 ग्राम। और सब आप ही बनाते हो खुद? नहीं, हम तैयार लाते हैं। तैयार लाते हैं। काफी फेमस है, काफी भट्टे में बनता है। काफी की भट्टी में बनता है, बड़ा भट्टा आता है उसमें बनता है। तो जितनी भी दुकान यहाँ पे मिलेगी सबका वहीं से आता है, किसी के भी पास से? हाँ, सब बट्टे पे आता है, घर पे कोई नहीं बना। तो आपने इसमें इन्फॉर्मेशन दी तो आपके पास से लेने का रिकमेंड करूँगा कि मंदिर के एग्जिट पास, ये मंदिर का गेट है, इसके एग्जिट पास दोनों प्लेस जो आपकी है, तो यहाँ से आके और याद करके भी बोलना कि हम यूट्यूब से देख के आए यहाँ पे हलवा लेने के लिए, और थोड़ा सा उसको डिस्काउंट भी कर देना भाई। कोई बात नहीं, कर देंगे कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। और यहाँ पे ऐसी कई सारी नाव पड़ी है, एंड यहाँ पे फोटोग्राफी का प्लेस, सामने सनसेट होता हुआ, एंड देखो भाई फोटो नहीं खींच रहा हूँ बट फोटो कैसा आएगा सिर्फ आप देख लो एक बार। क्या बात है भाई, इंस्टाग्राम पे जम जाओगे। देखो अभी शाम के 6:30 बजने आए, शाम का खूबसूरत यहाँ का एनवायरनमेंट, एंड पूरा अंदर का जो मंदिर हमने देखा था वो पूरा मंदिर अभी पानी से, समुद्र से पूरा अभी जलाभिषेक शिव जी के ऊपर हो रहा है। इसका साइंटिफिक रीज़न है जो मैंने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत नेचर। अब धीरे धीरे मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आया जो संडे की शाम हमने यहाँ पे स्पेंड की, ये फीलिंग, ये एंजॉयमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लास्ट में कमेंट में जय स्तंभेश्वर महादेव, जय महाकाल, जय सोमनाथ लिखना मत भूलना। मिलता रहूँगा ऐसी नई नई वीडियो के साथ। अभी जो बड़ौदा रहने आ चुका हूँ तो बेस्ट प्लेस नियर बड़ौदा की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, जैसे बेस्ट प्लेस नियर राजकोट की मिली थी, बेस्ट प्लेस नियर अहमदाबाद की मिली थी, इसी तरह आपको पूरी टूर गाइड एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।